मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ममता का झटका। ममता बनर्जी ने आखिर क्यों किया अविश्वास प्रस्ताव का विरोध? संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के कई दल लामबंद हो चुके हैं। कांग्रेस, सीपीएम, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुकी है। इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए दूसरे दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन इन कोशिशों को उस वक्त जोर का झटका लगा जब ममता बनर्जी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी असहमति जताई है। हालांकि मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर ममता बनर्जी बेहद मुखर हैं और वो इसको लेकर लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर रही हैं। बावजूद इसके उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के प्रति असहमति जताकर विपक्ष के प्रयासों को जोर का झटका दे दिया है। ममता बनर्जी के अविश्वास प्रस्ताव के विरोध से मोदी सरकार को भले ही राहत मिली हो, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसे विपक्षी एकता में दरार के तौर पर भी देखा जा रहा है। मौजूदा लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, कांग्रेस और एआईएडीएमके के बाद चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ममता का विरोध खासा मायने रखता है। आपको बता दें कि लोकसभा में किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इस हिसाब से जितने दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है उनके कुल सांसदों की संख्या 50 से ज्यादा बैठती है। लेकिन लोकसभा में लगातार हो रहे हंगामे की वजह से विपक्षी दलों के प्रस्ताव पर अब तक विचार नहीं हो सका है। लेकिन अब ममता बनर्जी के विरोध ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।